जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हनी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी की, जिसमें 5388 पोस्ट दी हुई है। यहाँ पे आपका RSSB GRE TRE के लिए वैकेंसी दी गई है। जूनियर अकाउंटेंट है, तहसील और रिवेन्यू अकाउंटेंट है, तो इनके लिए वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे आपके फॉर्म जो 27 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, 26 जुलाई आपकी लास्ट डेट होने वाली है। वही बात करें आपका एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल OBC के लिए आपका जो है 600 रुपये, वही EWS SC ST PH कोटा के लिए 400 रुपये फीस यहाँ पर दी गई है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 एज लिमिट मानी गई है। यहाँ पे आपका अलग अलग वैकेंसी शो की गई है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए तहसीलदार, तहसील रेवेन्यू अकाउंट के लिए, तो आपको जो कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपको SSO ID, तो सबसे पहले SSO ID आपको क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं राजस्थान की जो भी भर्ती आती है तो सबसे पहले क्या है आपको SSO ID बनानी होती है। तो आप SSO ID कैसे बनाएंगे, क्या इसमें जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो आपको क्या है रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना। अगर आपने पहले SSO ID है तो आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या आपको गूगल पे क्लिक करना होगा, तो आप जन आधार से कर सकते हैं या गूगल से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है ईमेल ID, तो आपको ईमेल ID यहाँ पर जो आपकी ईमेल ID है वो आपको डालनी होगी। उसके बाद दिखाई देगा आपको पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड जो है यहाँ पर डालना होगा। तो आपका जो ईमेल ID का पासवर्ड है तो वो आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या है यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। एंड आपका जो है यहाँ पर देखिए वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा, तो आपको सेंड OTP करके वेरीफाई कर लेना है। अगर आपको ये मोबाइल नंबर नहीं है तो आपको क्या है मोर वे टू वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे आपका अगर कोई और सिस्टम नहीं है तो आपको क्या है दोबारा से कोई और मेल बना सकते हैं या और मेल डाल सकते हैं, तो जरूरी नहीं है इससे ही आप करें। तो आपको क्या है नई मेल पे कर लेना है, तो आपको ये दोबारा से देख लेना है। तो यहाँ पे आपको ये मेल नहीं है तो आपको दूसरी मेल कोई डाल सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या है कोई मेल है जो आपकी खाली हो तो वही मेल आपको यहाँ पर डाल देनी है, ताकि अपना जो है आपका कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे क्या आपको दूसरी मेल कोई डाल देनी है एंड आपको फिर से नेक्स्ट करना होगा। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे क्या है छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको करनी है। अगर आपको इसका पासवर्ड नहीं पता तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो आपको क्या है नॉर्मली आपको सारी डिटेल जो है फिल करनी होगी। तो ये आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, उसके बाद आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो आगे प्रोसेस कैसे करनी है वो मैं आपको बिल्कुल बताएं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद क्या आपका जो आईडी है वो क्रिएट होकर आ जाएगा। तो थोड़ी देर यहाँ पे आपने वेट कर लिया तो आपका आईडी क्रिएट होकर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का यहाँ पे SSO ID आपका जो है बन के आ गया है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड क्या है कुछ भी डाल सकते हैं आप, मोबाइल नंबर चाहे आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर नंबर एक मोड इस तरीके से आप पासवर्ड यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड पासवर्ड कंफर्म करना होगा, तो यहाँ पे आपको क्या देखिए पासवर्ड शुड बी 8 से लेकर 30 अक्षर, व्हाइट स्पेस करेक्टर, तो आप नॉर्मली टेप स्पेस, तो आप ये जो है यूज करके बना सकते हैं। उसका दिया हुआ है यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो आपको क्या है मोबाइल नंबर जो है डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर डाल देना है। एंड रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करा है आपका जो मोबाइल नंबर है ये ऑलरेडी लिंक है, स्पेशल डाटा इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपका अदर SSO ID मेंशन पॉलिसी मोबाइल नंबर ईमेल ID, तो आपका यहाँ पर क्या है आपको जो है दूसरा डालना होगा। तो आपको क्या है यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर देंगे, उसके बाद आपका प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपका लॉगिन पेज आ जाएगा, तो लॉगिन पेज पे आपको जो SSO ID आपके मेल पे आया हुआ एंड पासवर्ड जो आपने डाला था कैप्चा कोड जो दिखाई जाए वो डाल देना है। एंड लॉगिन पेज पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल गया है। यहाँ पे आपको कोई भी छेड़छाड़ ना करेगा, करनी है तो कर सकते हैं, अन्यथा आपको कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर ईयर है, आपका मंथ है एंड आपका डेट है, तो वो सारी चीज़ें डाल देंगे। अगर यहाँ पर नहीं डालना है तो आप खाली भी छोड़ सकते हो। किस राज्य से बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पर
डालना हो एंड आपको अपडेट पे क्लिक कर लेना है तो आपका अपडेट हो जाएगा। तो आपको SSID अपडेट हुआ, इसके बाद आपका मेन जो है काम चालू होगा। तो आपको जो SSID अभी क्रिएट नहीं हुई है पूरी तरह से, यहाँ पे आपको क्या है सर्च मारना है रिक्वायरमेंट। तो आप रिक्वायरमेंट पोर्टल आप फर्स्ट है आपका, तो आप यहाँ पे सर्च मान लेना आपकी कौन सी भर्ती है। रिक्वायरमेंट पर दो आते हैं, एक पोर्टल वन आता है एक टू आता है। तो यहाँ पे क्या है कोई भी भर्ती है तो आप अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी शो हो रही है उसके लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे बोलता है यू कैन अप्लाई SSID डीएक्टिवेट प्लीज प्रोफाइल एक्टिवेट। तो आपको क्या है यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है अपडेट करनी होगी। जब तक आप प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या है प्रोफाइल चेक करें, यहाँ पर पूछता है सबसे पहले आर यू राजस्थान रेजिडेंस, तो आपका राजस्थान का मूल निवास है तो यहाँ पे आपको क्या है यस कर लेना है, अन्यथा आपको नो कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा। तो यहाँ पे आधार नंबर डालकर आई वांट टू फेच डाटा SSO प्रोफाइल। तो यहाँ पे आप जो SSO ID के लिए प्रोफाइल डाटा फेच कर रहे हैं, तो आपने जैसे यहाँ पे आई फेच में क्लिक किया है उसके बाद क्या है तो सबसे पहले आपने क्या है अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर लिया। तो यहाँ पे देखिए नाम है, जेंडर है, आपका फादर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये ऑलरेडी आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आपको दिखाई देगा आपका ई मोबाइल नंबर, तो आपका मोबाइल नंबर कौन सा है वो आपको डाल देना है। डालने के बाद पूछता है इंटर गेट ईमेल आईडी SSO ID प्रोफाइल, तो वेरीफाई OTR करेंगे। तो आपका यहाँ पर ईमेल आईडी मांग रहा है तो आपको ईमेल आईडी जो है लेना होगा। तो ईमेल आईडी यहाँ पे क्लिक करें तो ईमेल आ जाएगा, वेरीफाई OTR कर देंगे। एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर लेना है तो आपका OTP जो है आपके मोबाइल पर आ जाएगा। जो मोबाइल नंबर आपने लगाया है आधार कार्ड वाला नहीं, यहाँ पे जो आपने लगाया है उस पर आपका OTP आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, आपको OTP यहाँ पर डालना होगा। तो यहाँ पे आपको जो OTP प्राप्त हुआ है वो आपको डाल देना है एंड आपको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपका OTP प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा। तो आपका ये क्या है फर्स्ट स्टेप वेरीफाई हुआ है। तो आपको इसी तरीके से आपको सेम पोजिशन में वेरीफाई करने होंगे। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है एंड आपको स्क्रॉल नीचे कर लेना है। उसका क्वालिफिकेशन दिखाई देगा, यहाँ पे आप चाहे तो बढ़ सकते हैं अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। उसका आता है वॉइडेड क्वालिफिकेशन, तो आपका बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले हैं। तो आप जिसको भी भरना चाहते हैं भर सकते हैं। यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी, मैरिज सर्टिफिकेट, तो आपको जो जो प्रोफाइल करना है यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपको परीक्षा का नाम, तो आपने 10th किस बोर्ड से पास किया है तो वो आपको डालना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको नॉर्मली आपको यहाँ पे क्या है किस इंस्टीट्यूट से पास किया था तो वो आपको डालना होगा। यहाँ पे डालने के बाद पूछता है एप्लीकेबल, आपका सब्जेक्ट देना है तो दे सकते हैं अन्यथा खाली छोड़ सकते हो। किस ईयर में आपने पास की है तो वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको पूछता है अनुक्रमांक, रोल नंबर, तो आपको रोल नंबर डाल देना है। एंड यहाँ पर पूछता है परसेंटेज है या CGPA है वो आपको डाल देना होगा। मैक्सिमम मार्क ऑफ 10 डाल देने, परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। वहीं 12th है आपने 12th का भी इस तरीके से डाल देना है। 12th के बाद आपका किस सब्जेक्ट से था वो आपको डालना होगा एंड आपका किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। रोल नंबर डाल देना है एंड आपने परसेंटेज था या CGPA वो आपको डाल देना है। एंड आपको ऑफ 10 एंड टोटल मार्क्स डाल देंगे, परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर जो जो क्वालिफिकेशन आपके पास अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं अन्यथा ही खाली छोड़ देंगे। उसका क्या आपको सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये वन टाइम OTR है, वो एक ही बार करना होता है। उसके बाद आप अपडेट कर सकते हैं, आपका क्वालिफिकेशन बढ़ गया है या आपको घटाना है तो वो आप लगा सकते हैं। तो इसको क्या एक बार करना होगा। इसके बाद क्या आपका आता है वॉन्टेड सर्टिफिकेट, अब बोनाफाइड सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट। तो कोई आपके पास अवेलेबल है तो आप डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा आपको यहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ अब नहीं करना है। वन टाइम कंप्लीट हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया, उसका क्या आपको जाना होगा बैक टू SSO। तो आपको बैक टू SSO पे क्लिक कर देना है एंड आपको क्या है दोबारा से आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल, अगर इस पर नहीं शो करता है तो रिक्वायरमेंट पोर्टल 2 भी खोल सकते हैं। वहाँ पे आपका क्या क्या कौन कौन सी भर्ती है वो यहाँ पर शो कर देता है। तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, यहाँ पर आपको देख सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट तहसील रेवेन्यू। तो आपको यहाँ पर क्या है आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे यहाँ पे अपडेट के लिए खुलेगा या प्रोसीड, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक
कर देना है। और जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख लेना है, आपको एक बार डाटा चेक कर लेना, आपका डाटा गलती है तो आप अपडेट कर लेंगे, सही है तो आपको क्या है आगे बढ़ा देना है। तो आपको एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे देखिए साइट डिटेल से एक बार चेक कर लेंगे, आपने कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो आप अभी भी चेंजेस कर पाएंगे। तो आपको एक बार सही से चेक कर लेना है, कहीं गलती हो और आपको फिर आगे प्रॉब्लम होते हैं। यहाँ पे आपको क्या है मदर्स नेम लिखना होगा एंड आपका कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा आपका आपका जो है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो सारी चीज़ एक बार चेक कर लेनी है एंड आपका नेक्स्ट स्टेप पे कहेंगे तो आपका यहाँ पर आएगा आपका मैरिटल स्टेटस। तो आप मैरिड हैं तो मैरिड, अनमैरिड हैं तो अनमैरिड, अगर मैरिड हैं तो आपको क्या है अपनी हस्बैंड एंड वाइफ का नाम यहाँ पर लिखना होगा, स्पाउस पति या पत्नी का नेम। उसका वो था आपके कितने बच्चे हैं, कितने अपने बच्चे जो है नहीं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपको इन चीज़ों से कुछ नहीं करना है, तो आपको क्या है इसको नीचे कर लेना है। आप अपना आधार नंबर वगैरह एक बार चेक कर ले सही से, आपने कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो आप अभी भी सही कर सकते हैं, इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन खाली नहीं बचता है। एंड आपको इसको नीचे कर लेना है, नीचे आपको दिखाई देगा आपका एड्रेस डिटेल। तो आपको एड्रेस डिटेल जो है एक बार चेक कर लेना, आपका एड्रेस में कोई गलती तो नहीं है। आपको एड्रेस में क्या है आपका हाउस नंबर, गली नंबर, पोस्ट, आपका तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें जो है फिल करनी होंगे। फिल करने के बाद आपको दिखाएगा पिन कोड, तो आपके एरिया का जो पिन कोड है वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर डालना होगा एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप पे बोलता है अधिवास विवरण, तो आपको क्या है नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है एंड किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। एंड पूछता है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो वो आपको डाल देना है। एंड पूछता है आपका ब्लॉक कौन सा है तो वो आपको डालना होगा। यहाँ पर अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपका ब्लॉक वगैरह कहीं से भी है तो ब्लॉक आपका जरूरी नहीं है। यहाँ पर पूछता है आपका पूर्व स्थापित देश, तो आपने किस पहले देश में रहते थे तो आपको वो यस करना होगा, अन्यथा आपको खाली छोड़ देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। वहीं आपको पूछता है आप एक सर्विसमैन है या कोई स्पोर्ट खिलाड़ी है तो वो आपको यहाँ पर यस नो करना होगा। उसका पूछता है कि क्या आप अंडर फॉलोइंग एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, तो आप जो है यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिखाई देगा, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है अपडेट कर लेना है, टेंथ का है या फिर ट्वेल्थ का है, ग्रेजुएशन है। तो सबसे पूछा है टेंथ किस सब्जेक्ट से, तो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो किस बोर्ड से वो आपको डालना होगा, एंड रोल नंबर आपको डाल देना है। पूछा परसेंटेज है या CGPA वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में पास किया था एंड कितना परसेंटेज है वो आपको डालना है। वही नीचे दिया हुआ है ट्वेल्थ, तो सेम हिसाब से ट्वेल्थ भी आपको फिल करना हो, किस सब्जेक्ट से है, कॉमर्स से है, मैथ से है, साइंस से है, उसका किस यूनिवर्सिटी से है, बोर्ड से है, रोल नंबर क्या है, परसेंटेज है, CGPA किस ईयर में किया था, कितना परसेंटेज है। वहीं आपका ग्रेजुएशन का डिटेल है, आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो आपका किस यूनिवर्सिटी से है, कौन सा किया है, रोल नंबर क्या था आपका, परसेंटेज है या CGPA है, किस ईयर में आपने पास किया है। तो ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको पूछा परसेंटेज कितना था तो वो आपको डालना होगा। या फिर सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा RSIT कंडक्टेड बाई आपका, तो आपको यहाँ पे क्या है आपको RSCIT का जो सर्टिफिकेट है वो आपका किस सब्जेक्ट से है, किस यूनिवर्सिटी से है, आपका किस रोल नंबर क्या है वो आपको डालना होगा। तो डालने के बाद आपको पूछता है परसेंटेज था या CGPA था तो वो आपको डाल देना है। एंड आगे दिखाई देगा आपका किस आपका ईयर में पास किया था तो आपको वो डाल देना है, एंड परसेंटेज कितना था तो वो आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पे क्या है सारी डिटेल जो है आपको अच्छे से फिल करनी होगी, कोई भी आपको यहाँ पर अपडेट खाली नहीं छोड़ना है। तो सारी डिटेल आपको भरनी है। एंड नीचे पूछता है पोस्ट प्रीफ्रेंस, तो आपको पोस्ट प्रीफ्रेंस दे सकते हैं आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं। एंड क्या है उसके बाद आपको इसको नीचे कर लेना है, दोनों पोस्ट आप चूज कर लेंगे एंड आपका उसके बाद नेक्स्ट स्टेप खुल के आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आपको एक बार पोस्ट प्रीफ्रेंस आर नॉट वी स्टार्ट विद, तो आपको क्या है सही से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको सिलेक्ट करने के बाद एक या दो इस तरीके से आपको अपना देना है। वही आपको फोटो एंड सिग्नेचर है, आपका फोटो 50 से 100 के बीच, सिग्नेचर आपका 20 से 50 के बीच, तो आपको अपलोड कर देना है। एंड अपलोड करने के बाद आपको स्क्रॉल नीचे
किसका लेना है तो इसको नीचे करेंगे। यहाँ पे पूछता है बॉडी मार्क्स, तो आपके कोई चेहरा पे तिल है या बॉडी पे कोई कट है तो वो आपको लगाना होगा, नहीं है तो आपको क्या नो मार्क कर सकते हैं, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू हो के आ जाएगा। यहाँ पे एक बार चेक कर लेना आपके फोन में कोई गलती तो नहीं है, अगर गलती है तो आप अभी चेंजेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, अन्यथा क्या है आपको सारी डिटेल पढ़ने के बाद आपको नीचे कर लेना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट कर देना, प्रिंट आ जाएगा, प्रिंट आपको सेव कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी जरूरत पड़े तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट करने के बाद आपको प्रिंट सेव कर लेना है एंड सेव करेंगे तो आपको जो है आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रिंट निकाल के भी रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद होगा, आपके लिए